सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रहे 98वीं लक्ष्य वरिष्ठ उत्तर प्रदेश स्टेट बास्केटबॉल महिला और पुरुष चैंपियनशिप में बुधवार पुरुष वर्ग का एक मैच बागपत और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बागपत को 66-65 के अंतर से हराया। इसी चैंपियनशिप का एक अन्य मैच महिला वर्ग में आजमगढ़ और सहारनपुर के बीच खेला गया, जिसमें आजमगढ़ की लड़कियों ने सहारनपुर को 18-17 के अंतर से मात दिया। इस अवसर पर चैंपियनशिप के आयोजन समिति के पदाधिकारी, निर्णायक, भारी संख्या में प्रतिभागी खिलाड़ी और प्रशिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर में संवाददाता से बात करते हुए सचिव उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल भूपेंद्र शाही ने कहा, ये आपके सामने इतने स्कोर पे इतना फला फला। ये 58वीं यूपी स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप है पुरुष और महिला वर्ग की, और इसमें 29 पुरुष वर्ग में और 19 महिला वर्ग में टीमें प्रतिभाग ले रही हैं, और ये एक रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन है जो कि अभी तक किसी भी चैंपियनशिप में नहीं हुई थी। ये 14 अक्टूबर तक ये कंपटीशन चलेगा, 14 तारीख को फाइनल होगा। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और मैचेस बहुत अच्छे हुए। कल ही बहुत अच्छा मैच DLW अनी रेलवे का हुआ था, जो कि अनी रेलवे बदकिस्मती से हार गई 1 पॉइंट से, लेकिन वो एक टाइम 24 पॉइंट से जीत रही थी, जो जीतते हुए कुछ ख़राब लम्हे आए उसमें हार गई। महिलाओं में मेन तो अनी रेलवे की ही टीम है क्योंकि वो प्रोफेशनल टीम है, लेकिन SSB टीम भी बुरी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी की टीम अच्छी है।